अस्सलाम वालेकुम। आज हम झटपट बनाएंगे जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। ये एक अरबियन डिज़र्ट है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, और जहाँ तक टेस्ट की बात है तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और इसका नाम है महलाबिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे बहुत लाजवाब लगी, बहुत ही सॉफ्ट और अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। 1 लीटर हमने इस पतीली में दूध डाला है और इसको हम खौला लेंगे, और ये हमारा दूध खौल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, और 1 कप डालेंगे शक्कर, और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर, और इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए कैसा थिक होना शुरू हो गया। ये जब इसमें बबल बबल आ जाए तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा हो गया है। और ये देखिए तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से बन जाता है, रिच, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। और ये जो है ये सेपरेट होने लगा है, तो अब हम इसको फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम डिश आउट करते हैं। डिश को मैं थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ, आप बटर से करिए, देसी घी से करिए। ये देखिए अब मैं इसमें डिश आउट करूँगी। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे हो गया है और हम इसको फ्रीज में रख देंगे आधा पौन घंटे के लिए, ठंडा हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गया है और डिज़र्ट हमारा फ्रीज में रखा ठंडा हो रहा है, और हम इस पे बना लेते हैं अच्छी सी टॉपिंग। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, आधा कप डालेंगे कॉर्न स्टार्च, और इसको हम अब घोल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप रू अफज़ा। मैं ये रू अफज़ा डाल रही हूँ, अगर आपके पास रू अफज़ा नहीं है कोई फूड कलर ले लीजिए, डाल दीजिए। ये देखिए ये पतीली हम चढ़ा दिए हैं और फ्लेम को ऑन भी कर दिए हैं। इसको अब हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसको नहीं चलाएंगे तो नीचे से ये जो कॉर्न स्टार्च डाले हैं हम वो मिक्स नहीं होता, जल्दी बैठ जाता है। ये हमने जार में डाला था दरदरा पीसने के लिए पिस्ता, तो ये हमारा दरदरा हमने पीस लिया है इसको, और ये हैं कुछ बादाम, ये हमने काट लिए हैं, तो हम इनको गार्निश करेंगे। तो ये देखिए जनाब, ये हमारा रू अफज़ा टॉपिंग बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हम इसको इसी में ये लगाएंगे ऐसे। हम पहले इसमें थोड़े से बादाम डाल देंगे और फिर स्प्रेड करेंगे। ये मैं बादाम डाल रही हूँ, आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए, डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा आधा पौना घंटा के बाद फ्रिज से हमने निकाल लिया था, तो इसमें हमारे डिज़र्ट में स्किन आ गई थी, और इसको हमने अब देखिए बादाम डाल के और ये रू अफज़ा की टॉपिंग ऊपर से लगा दी है, और मैं अब इनको गार्निश कर देती हूँ। थोड़े से पिस्ता मैंने ग्राइंड किए थे, वो भी दरदरे, तो मैं पिस्ते से कर रही हूँ। आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट से आप कर सकते हैं, ये डिज़र्ट तो वही रहेगा। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको फ्रीज में रख देंगे आधा पौना घंटा के लिए, ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सारे लाइक्स दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।